आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब कुछ व्यापारियों की स्क्रूटनी होने वाली है। सरकार ने जीएसटी विभाग को ऐसी तमाम लिस्ट दी है जिसका विभाग को स्क्रूटनी करनी है। स्क्रूटनी की जानकारी सीजीएसटी कमिश्नर ललन कुमार ने दी। सीजीएसटी विभाग अब कुछ व्यापारियों पर शिकंजा कसने वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विभाग को लगभग 200 लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई है, सभी की स्क्रूटनी होनी है। सीजीएसटी कमिश्नर ललन कुमार का कहना है, सरकार ने लिस्ट उपलब्ध करा दी है जिस पर काम चल रहा है। करदाताओं को ये सूचित करना चाहूँगा कि रिटर्न की स्क्रूटनी अब आरम्भ होने वाली है और हमें दिल्ली से एक लिस्ट प्राप्त हुई है जिसमें करीब 225 टैक्स पेयर सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका मूल जिम्मेवारी इस कार्य को करने की रेंज ऑफिसर की है। तो मैं करदाताओं को सूचित भी करना चाहूँगा और उनसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप उनसे सहयोग बनाए रखें और कोई असुविधा हो तो फिर तो हम लोग आए। कमिश्नर ललन कुमार के अनुसार ये वो लिस्ट है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ गलती की वजह से कमियां रह गईं। सरकार ने ऐसे लोगों की लिस्ट भेजकर जांच करने के आदेश दिए हैं। या कुछ आपको विशेष आख्या देनी हो या अपनी ओर से बोलना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय। ये अब यथाशीघ्र आप समझ लो कि आप एक महीने के अंदर ये कार्य पूर्णतः आरम्भ हो जाए। नहीं, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो है, अगर आपका नाम इसमें शामिल है तो आप अपने पेपर्स वगैरह जमा कर दें समय से, जिससे कि हमारे अधिकारी उस कार्रवाई को पूरी कर सकें समय से, क्योंकि इसमें समय की बंदिश सभी पर लागू होती है। अधिकारियों पर भी समय की सीमा लागू है और जो टैक्स पेयर हैं हमारे करदाता उन पर भी लागू। कमिश्नर ललन कुमार का कहना है, ऐसे सभी व्यापारी जिनकी स्क्रूटनी होने जा रही है वो अपना अपना कागज पूरा कराकर विभाग के अधिकारियों के पास जमा करा सकते हैं। कागज जमा होने पर चेक किया जाएगा और रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। विनोद जूनियर, सी न्यूज, आगरा।